छत्तीसगढ़ से कुपोषण को पूरी तरह से मिटाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जिसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सुपोषित आहार देने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में स्वादिष्ट चना योजना का शुभारंभ कर दिया है। मुखिया भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने चना योजना का शुभारंभ करते हुए 10 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर बस्तर अंचल के लिए रवाना किया। चना पौष्टिक आहार की श्रेणी में आता है, उसी के चलते अनुसूचित क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पौष्टिक आहार के रूप में चना वितरित किए जाने की योजना भूपेश सरकार ने बनाई है। प्रति परिवार 2 किलो चना 5 रुपये किलो की दर से वितरित किया जाएगा, जिससे प्रदेश के 25 लाख आदिवासी परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। राज्य में सबसे कम कीमत पर चना को प्रदाय केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक हितग्राहियों को 1 किलोग्राम के पॉलीपैक में 2 किलोग्राम चना 5 रुपये की दर से दिया जाएगा। इस योजना में राज्य के 23 जिलों के 100 विकास खंडों के लगभग 25 लाख परिवारों को 50,000 क्विंटल चना प्रतिमाह वितरित किया जाएगा। चना वितरण पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष लगभग 202 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चना वितरण शुरू होते ही प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। वर्तमान समय में प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार द्वारा चना वितरण किए जाने को पूर्व के शासनकाल यानी रमन सरकार की नीति बताई है। भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने भूपेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये केवल दिखावा है। 7 महीने में भूपेश बघेल की सरकार ने कोई काम नहीं किया, आज जो कर रही है वो महज निकाय चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। देखिए, चना वितरण की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए किया था और दुर्भावनावश कांग्रेस की सरकार ने चना वितरण बंद कर दिया था। और इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि जिम्मेदार मंत्री ने चना को शराब पीते समय यूज किए जाने चखना की संज्ञा दी थी, ये इनका वास्तविक चेहरा है। लोकसभा चुनाव में भी हमने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था और जनता ने जनादेश दिया, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी दहशत ज्यादा हुई और फिर से चना देना प्रारंभ की है। 6-7-8 महीने में सरकार का कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है कि जिसके नाम से छत्तीसगढ़ कुपोषण मुक्त हो जाए। तो अब ये नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए फिर से चना वितरण की प्रक्रिया देना प्रारंभ की है। ये कितने समय तक जारी रहेगा इसका कोई विश्वास नहीं है, भगवान मानी का प्रदेश था। लेकिन वास्तव में चना को चखना कहना कि एक मंत्री के द्वारा इस प्रकार का बयान देना कांग्रेस पार्टी की जो वास्तविक धारणा है उनकी जो भावना है उसको प्रदर्शित करती है। वहीं भाजपा के आरोप के बाद सरकार का बचाव करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ने पिछली सरकार पर ही सारा ठीकरा फोड़ दिया है। धनंजय की माने तो रमन सरकार ने कुपोषण पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार आते ही गर्भवती महिलाओं के साथ बच्चों में बढ़ते कुपोषण को दूर करने के लिए चना योजना की शुरुआत की गई है, जो प्रदेश को सुपोषित बनाने में कारगर साबित होगी। देखिए, 15 साल तक राज्य में अमन सिंह जी की सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री का गृह जिला और मुख्यमंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कुपोषण का शिकार है। छत्तीसगढ़ देश में टॉप 10 की सूची में कुपोषण के मामले में। तो 15 साल से जो छत्तीसगढ़ में शासन की भाजपा जनता पार्टी जिसने कुपोषण को खत्म करने का प्रोग्राम नहीं बनाया, कुपोषण के नाम जो भ्रष्टाचार की कमीशन खोली गई है, वो आज जब कुपोषण हटाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार जब कुपोषण हटाने अभियान चला रही है, कुपोषण हटाने प्रयास कर रही है, तो इस प्रकार से टीका टिप्पणी करके कहीं ना कहीं अपने जो गरीब विरोधी मानसिकता है, जो कुपोषण खत्म करने की जो नीतियां बनी उसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार है, कुपोषण को खत्म करने हर स्तर पर प्रयास किया जाएगा। बहरहाल, योजना की शुरुआत हुई नहीं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि वादे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में व्याप्त कुपोषण के प्रतिशत को खत्म करने में सरकार कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।